नितिन, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। हम सारे क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि बोर्ड में कैसे इस पे क्वेश्चंस आता है। और यह क्वेश्चन बच्चों इस बार एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं जितेंद्र कुमार और यह आपका प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है या विद्युत यंत्र है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करते हैं। अगर धारा का विभव उच्च होगा तो उसे निम्न विभव में, अगर निम्न होगा तो उसे उच्च विभव में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है बातें? तो इसका काम क्या है बच्चों कि निम्न विभव को किसमें बदलना? उच्च विभव में, और उच्च विभव को भी निम्न विभव में बदलने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। लेकिन किसके विभव को? तो प्रत्यावर्ती धारा के। याद रखिएगा बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को। अगर कह देगा दिष्ट धारा के, तो दिष्ट धारा में यह कार्य नहीं करता है, दिष्ट धारा के लिए यह लागू नहीं है, सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही परिवर्तित कर सकता है। क्लियर है बातें? अच्छा, अब आता है बात कि यह किस पर कार्य करता है, इसका सिद्धांत क्या है बच्चों? तो यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि बच्चों की अन्योन्य प्रेरण क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कोई दो कुंडली होती है ऐसे ऐसे, और यहां पे एक दूसरी कुंडली है ऐसे, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके कारण इसमें विभव उत्पन्न हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण दूसरी कुंडली में स्वतः अपने आप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाता है बच्चों? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब आपको इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक हो जाएगा बच्चों स्टेप अप, इसको हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है बच्चों स्टेप डाउन, इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अच्छा, स्टेप अप का कार्य क्या होता है? तो यह क्या करता है बच्चों कि लो वोल्टेज को, यानी निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, उच्च विभव में बदलता है। तो हम कह सकते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित कर दे, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो उच्च विभव को निम्न विभव में बदल दे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें? आइए अब देख लेते हैं इसका बनावट क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैं ऊपर को मिटा देता हूं, देखिए फटाफट। आइए देख लेते हैं इसका बनावट क्या होता है, बनावट यानी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें एक ऐसा, तो देखिए इसका बनावट कैसे होता है। यह जो होता है ना बच्चों, यह दिख रहा है यहाँ पे, यह आयरन का मतलब कि लोहे का कोर होता है। क्या बोलते हैं उसको? कोर, आयरन कोर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आयरन
कोर कहते हैं। और यह कैसा रहता है बच्चों? लेमिनेटेड रहता है। कैसा? लेमिनेटेड, जिसको बोलते हैं पटलित। क्या बोलते हैं बच्चों? पटलित। कहने का मतलब यह है कि यह जो है ना, यह पूरा एक टुकड़ा नहीं है, ऐसे स्ट्रिप है इस टाइप का। देखिए ऐसा स्ट्रिप है, और इसको क्या किया गया बच्चों? अरेंज किया गया है एक दूसरे पर, ऐसे पतला पतला स्ट्रिप होता है। और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं और ऐसे रख देते हैं सबको मिला करके, जोड़ करके। तो यह आपका आयरन का स्ट्रिप है, या आप इसे कह सकते हैं पटलित कोर कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या बच्चों? पटलित कोर कहते हैं। अब इसको बताएंगे आगे कि ऐसा बनाते क्यों है, क्या कारण है इसके लिए कि ऐसा बनाते हैं। और यह बच्चों कुंडली है, तांबे की तार की बनी होती है। तांबे की तार लगा होता है, और जो इधर लगा होता है ना बच्चों, सोर्स के साथ में, यहाँ पे क्या है बच्चों? स्रोत है। कौन सा स्रोत है बच्चों? एसी स्रोत है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ आउटपुट होता है, इसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है निर्गत, और इधर इनपुट कहते हैं इसको। इनपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? निवेश होता है। अभी बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यह जो सिरा है ना, यह किससे लगा होता है? जहां से करंट आता है इसमें, प्रवेश करता है ना, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? निवेश। इधर से करंट हम देंगे और इधर से करंट हम प्राप्त करेंगे, लेंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? निर्गत बोलते हैं, या इसको आउटपुट कहते हैं। तो जो कुंडली निवेश के साथ जुड़ी होती है उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्राइमरी क्वाइल बोलते हैं। क्लियर? और इस कुंडली को हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली, या इसको हम सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। क्लियर है? तो प्राथमिक कुंडली किसको बोलते हैं? तो जो कुंडली स्रोत के साथ जुड़ा होता है उसे प्राथमिक कुंडली, और जो कुंडली आउटपुट अथवा निर्गत के साथ जुड़ा होता है, या इसी को लोड भी कहते हैं बच्चों, एक और इसका नाम है लोड। तो लोड के साथ जुड़ा होता है उसे द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। क्लियर है बातें? अब यहां से क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, अच्छा, इसमें जो फेरों की संख्या है ना उसको हम N1 मान लेते हैं, और इसमें फेरों की संख्या को हम N2 कह देते हैं। अर्थात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N1 का वैल्यू जो होता है इसमें कम होता है N2 से। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होगी? कम होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप डाउन में क्या होगा बच्चों? स्टेप डाउन का मतलब अपचाई, उसमें N1 की संख्या जो होगी ना वह ज्यादा होगी बच्चों N2 से। और यह बहुत VVI है, कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ गया है कि बताइए कि प्राथमिक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या इसके कंपेयर में कितनी होती है। तो याद रखिएगा दोनों स्टेटमेंट। क्लियर है इतनी बातें? तो ये तो रहा बच्चों बनावट। इसमें कांच कैसे होता है, किस प्रकार से हम इसमें करंट देंगे तो विभव को यह कैसे परिवर्तित करेगा, आइए समझते हैं। इसका हम वर्किंग देख रहे हैं। वर्किंग हम मान लेते हैं बच्चों कि माना कि एकांक फेरो में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फ्लक्स फाई है। कितना है बच्चों? फाई। यहां पे देखिए, इसमें हमने एक फेरा में मान लिया, कहीं पर भी एक फेरा में कितना फ्लक्स उत्पन्न होता है बच्चों? फाई। अब बताओ, अब इस तरह के कितना इसमें फेरा है? N1 फेरा है, तो इसमें टोटल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा प्राथमिक कुंडली में? तो यहाँ पे कहेंगे कि टोटल फ्लक्स फर्स्ट वाला में, मतलब प्राथमिक वाला में, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? N1
फाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें पूछेगा टोटल फ्लक्स का मान, तो हम कहेंगे फाइव टू, ऐसे टी टू लिख लीजिएगा, टी टू इसका मान कितना हो जाएगा एन टू फाइव। इसमें फेरों की संख्या इतनी और इसमें फेरों की संख्या इतनी। अब जरा सोचो इसमें जो टोटल विद्युत वाहक बल्ब होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? इसमें उत्पन्न फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा। और फैराडे का जो बच्चों सेकेंड लॉ था वह क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, मतलब कि फैराडे के सेकेंड नियम के अनुसार, चाहे द्वितीयक नियम के अनुसार, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हम E1 कह देते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है उसको E2 कह देते हैं। तो E1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? हमने पढ़ा था माइनस और N1 d phi अपॉन कितना यहां से dt। फिर से देख लो, E1 इक्वल टू माइनस में N1 d phi अपॉन dt। यह क्या होता है? इस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्लियर है बातें? इसी प्रकार से E2 का वैल्यू कितना चलाएगा? E2 मतलब इस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसका मान हो जाएगा बच्चों यहां से माइनस में N2 और d phi अपॉन कितना dt। क्लियर है इतनी बातें? ओके, इसको समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं। समीकरण एक में दो से डिवाइड करते हैं, आपको दिख रहा है ना पूरा बोर्ड, देख लीजिए एक बार। ओके, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो देखो कितना आएगा, चला आएगा बच्चों E1 बट्टा E2 इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और डी फाई बट्टे डीटी यहां भी है, डी फाई बट्टे डीटी यहां भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा N1 बट्टे N2। तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है बच्चों N1 बट्टा N2, और दिस इज मोस्ट VVI फॉर्मूला, ठीक है याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर में देखो विद्युत वाहक बल, उसकी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका जो अनुपात होता है उसमें फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? ओके, आइए अब समझ लेते हैं कि इसमें जो विद्युत वाहक बल, हम यहां पर कह रहे हैं ना विद्युत वाहक बल, अगर उसको हम वोल्टेज के टर्म में देखें, मान लीजिए कि इस कुंडली का विद्युत वाहक बल E1 था, अगर इसका वोल्टेज मान लीजिए कि V1 है, और यहाँ पे वोल्टेज कितना है V2। वोल्टेज कहने का मेरा अर्थ यह है बच्चों कि यहाँ पे हम विभवांतर की बात कर रहे हैं, इस कुंडली का कुछ ना कुछ विभवांतर होगा तो उसको हमने कह दिया V1, इस कुंडली का कुछ ना कुछ विभवांतर होगा तो हमने उसको कह दिया V2। क्लियर है? आपको याद होगा कि अगर यह कुंडली क्या हो बच्चों, क्लोज हो, या कह सकते हैं कि यह जो सर्किट है वो क्लोज हो, बंद हो, तो उस कंडीशन में V1 का मान E1 से क्या होता है? छोटा होता है। आपको मैं फॉर्मूला भी बताया था यहाँ पे, V इक्वल टू E माइनस I इंटू R होता है, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे कहिएगा सर यह सेल के लिए काम करेगा? नहीं बच्चों, ठीक है, यह सेल के लिए तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसका अपना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, इस तार का भी तो अपना प्रतिरोध होगा ना, क्योंकि तार किसका बना हुआ है? तार बना हुआ है तांबे का, या किसी भी आप चीज का बना सकते हो, ठीक है, जो कि सुचालक पदार्थ है, लेकिन यहाँ पे तांबे का बना होता है, तो तांबे के अंदर भी क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगा ना, इसमें से घट जाएगा। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पर जो विद्युत वाहक बल होगा यह E2 इसके वोल्टेज से ज्यादा होगा, और इसका मान क्या होगा? इससे कम होगा, जो विभवांतर होगा उसका मान इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होगा। लेकिन अगर हम आइडियल कंडीशन देखें, आइडियल कंडीशन का मतलब होता है बच्चों कि हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर प्रतिरोध और यहाँ पे प्रतिरोध क्या है? शून्य है, बिल्कुल, कितना है? शून्य है। तो हम कहते हैं कि यदि तांबे का प्रतिरोध क्या हो बच्चों? शून्य हो। शून्य का मतलब नगण्य हो, ठीक है, ऐसा मान सकते हो, नगण्य कह सकते हो, नगण्य हो, बिल्कुल शून्य नहीं हो सकता है, तो
नगण्य हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों कि E1 बराबर V1 होगा और E2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों V2 होगा, होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा फॉर्मूला E1 बट्टा ऐसे E2 बराबर N1 बट्टा N2 और बराबर V1 बट्टा V2, यह फॉर्मूला आपको मिलेगा। क्लियर है बातें? तो यह क्या होता है बच्चों, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल का अनुपात, उसमें फेरों की संख्या के अनुपात और उसके विभवांतर के अनुपात आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ओके, आइए फिर आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इसको मिटाते हैं ऊपर से, फटाफट आप कहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। आइए बच्चों, अब देख लेते हैं कि इसका परिणामन अनुपात क्या होता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, रेशियो इसको बोलते हैं परिरमण अनुपात, अनुपात। देखो यह है क्या बच्चों, यह कहता है कि प्राथमिक कुंडली में, याद रखिएगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, परिणामन अनुपात कहते हैं या ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों N1 बट्टा N2। क्लियर है? अच्छा, आपको मालूम है बच्चों कि N1 बट्टा N2 किसके बराबर होता है, E1 बट्टा E2 के, हम लिख सकते हैं बट। अच्छा ध्यान रखिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है और यह बीमाहीन भी होता है बच्चों, बीमाहीन होता है। हम कह सकते हैं, देखेंगे बट N1 बट्टा N2 को हम क्या बोल रहे थे, E1 बट्टा E2 बराबर इसी को V1 बट्टा V2 कहे थे, तो यह क्या होगा, सब बराबर होगा ना R के, तो R का फॉर्मूला इतना बन जाएगा। देखो क्योंकि N1 बट्टा N2 R के बराबर है, तो N1 बट्टा N2, E1 बट्टा E2 और V1 बट्टा V2 यह किसके बराबर होगा, परिणामन अनुपात के बराबर होगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि बताइए कि जो ट्रांसफार्मर है वह एक्चुअल में करता क्या है। तो देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वह सिर्फ विभव को ही परिवर्तित करता है, लेकिन वह पावर को परिवर्तित नहीं कर पाता है। जैसे आपको बताएं, जितना पावर इधर हम देंगे ना, उतना ही पावर क्या होगा, इधर देगा। जितना ऊर्जा इधर देंगे, उतना ही ऊर्जा क्या होगा, इधर देगा। लेकिन वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बताइए कि जितना पावर देंगे क्या उतना पावर उधर सप्लाई करेगा, तो कहेंगे बिल्कुल करेगा, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल समझते हैं ना, आइडियल का मतलब आदर्श होता है। देखो दुनिया में कभी आदर्श चीज बन नहीं पाता है, ठीक है। यह एक क्या है, हमारी कल्पना है, हमारा इमेजिनेशन है। क्यों इमेजिनेशन है, क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर का कंडीशन होगा उसको हम फुलफिल कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एग्जाम पर्पज से याद रखना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है, एक और कह सकते हैं कि इमेजिनरी ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें जितना पावर देते हैं उतना ही पावर यहाँ पे हमको मिल जाता है। क्लियर? तो यहां से देख लीजिए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा बच्चों, जितना पावर देंगे, तो पावर इनपुट, मान लो कि यहाँ पे पावर कितना दिया हमने P, तो इसको इनपुट लिख देते हैं, इनपुट मतलब देने वाला पावर, और यहाँ पे P आउटपुट, आउटपुट मतलब कि मिलने वाला हमको शक्ति, पावर मतलब शक्ति, याद रखिएगा, इसको शक्ति कहते हैं हिंदी में। तो P इनपुट बराबर कितना होगा, P आउटपुट होगा किसके लिए बच्चों, मोस्ट वीवीआई लाइन है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। क्लियर है बातें? यहां से भी आप याद कर सकते हो बच्चों, आपको याद था कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद है P इक्वल टू V इनटू I आता है फॉर्मूला, शक्ति इक्वल टू विभवांतर गुने धारा होता है। तो हम लिख सकते हैं P इनपुट के लिए ऐसे,
इनपुट के लिए वी वन इन टू आई वन। आई वन क्या है बच्चों? अब यहां पे उत्पन्न धारा है, इस कुंडली में प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा बराबर हो जाएगा यहां से वी टू इन टू कितना, आई टू के बराबर। तो यहां से चला गया बच्चों फॉर्मूला वी वन बट्टा वी टू इक्वल टू आई टू बट्टा आई वन। क्लियर है? लेकिन यह कब लागू होगा? आइडियल ट्रांसफार्मर में। किसमें बच्चों? आइडियल ट्रांसफार्मर में। और इसका मान कितना था? इसका मान R के बराबर था ना, तो ये भी R के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, R इक्वल टू देखिए वी वन बट्टा वी टू इक्वल टू एन वन बट्टा एन टू इक्वल टू ई वन बट्टा ई टू आई इक्वल टू आई टू बट्टा आई वन। यह फॉर्मूला आपको मिल गया। क्लियर है? देखो वी वन बट्टा वी टू एन वन बट्टा एन टू आई वन बट्टा सॉरी ई वन बट्टा ई टू और आई टू बट्टे आई वन के बराबर है। अब यह आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा बच्चों कि देखो सब में वी वन एन वन ई वन ऊपर में है और यहाँ पे जो आई आया ना वह क्या हो गया, आई टू ऊपर में हो गया। तो बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। देखिए कैसे याद रखिएगा, यह भी इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं बच्चों कि अगर विभव के मान को बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होता है बच्चों, कम होने लगता है। किसका मान कम होने लगता है बच्चों? धारा का मान। कब? जब विभव के मान को बढ़ाएंगे। और जब विभव के मान को घटाते हैं तो धारा का मान क्या होता है बच्चों? बढ़ने लगता है। और इसी का यूटिलाइज करके, इसी का प्रयोग करके हम जो विद्युत शक्ति होता है ना उसको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं बच्चों, भेजते हैं, सेंड करते हैं। और इसीलिए ट्रांसफार्मर हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि विद्युत को यानी विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं, उसको सेंड करने का यह काम करता है। और आप देखे हुएगा कि जो अगर नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है, जहां पे बिजली विभाग होता है ना बच्चों, बिजली मान लो कि उत्पन्न जहां पे होता है वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होगा? तो बच्चों स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो स्टेप अप क्या कर देगा बच्चों, याद रखिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर विभव को क्या करेगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। अब विभव को बढ़ाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है कि जहां पे बिजली बनता है वहां से हमारे घर तक लेके आना है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि यहां पे विभव का मान बढ़ जाएगा तो करंट का मान कम हो जाएगा और करंट जिस तार में आएगा उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा बच्चों, कम से कम होगा। मतलब कि लॉसेस बहुत कम आएगा, प्रतिरोध तो उतना ही रहता है लेकिन जो शक्ति का लॉस होता है ना, हानि होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि धारा का मान कम हो गया है। समझ पा रहे हैं? तो धारा का मान जैसे कम हो गया तो हमारे घर तक जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वहां पे आसानी से क्या होता है, विद्युत शक्ति पहुंच जाता है। और फिर वहां पे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसके सहायता से क्या करते हैं, दूसरा मतलब बच्चों स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर लगाते हैं वोल्टेज को कम करने के लिए। तो वोल्टेज को कम करके यहाँ पे क्या करेंगे, घरों में सप्लाई करेंगे। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? अब आइए जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर का, जिसको बोलते हैं दक्षता। और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ट्रांसफार्मर की दक्षता। इसको मिटा देते हैं हम। ओके बच्चों आइए जान लेते हैं कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए इफिशियंसी डिफाइन ऐसे होता है बच्चों, इसको हम ईटा से लिखते हैं, ऐसे ईटा से। और यह होता है निर्गत शक्ति, अब बट्टे होता है बच्चों निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति। निर्गत का मतलब होता है बच्चों यहां पे आउटपुट पावर, इंग्लिश में से कहेंगे तो क्या कहेंगे, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। और यहां पे हो जाएगा बच्चों इनपुट पावर। क्लियर है? अर्थात ईटा इक्वल टू होता है यहां पे पी आउटपुट बट्टा पी इनपुट। क्लियर है? अच्छा इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक हो जाएगा देखिए पावर पावर, तो ये भी मात्रक हीन होगा, मात्रक हीन होगा, बीमा हीन होगा। समझ रहे हैं? ओके
अब देखो इसका वैल्यू कितना होता है, एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी भी ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता कितना है। तो अगर कहेगा कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए बच्चों, फॉर आइडियल मतलब कि आदर्श, इसको बोल देते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, तो इटा का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 100% होता है। कितना होता है, 100%, या इसी को हम अगर फ्रैक्शन में लिखे ना तो 1 होता है। कितना होता है, 1, ये परसेंट में लिखे हुए हैं, तो परसेंट में पूछेगा तो 100%। अगर ऐसे पूछ दिया तो कितना होगा बच्चों, 1 होगा। एक जितने भी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, जो आपके घरों में लगा हुआ है ना, वो सब क्या है बच्चों, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, मतलब कि उसको हम काम लेते हैं ना, वो एक्चुअल में परफॉर्म करता है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो इसका जो इफिशियंसी होता है ना बच्चों, या लगभग 75% से 95% तक होता है, याद रखिएगा। कितना से बच्चों, 75 से 95% तक। अच्छा पूछेगा कि इफिशियंसी जो होता है वो प्रैक्टिकल का ज्यादा होता है कि आइडियल का, तो किसका होगा बच्चों, आइडियल का ज्यादा होगा, और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का कम से कम इफिशियंसी होता है व्यवहारिक ट्रांसफार्मर का। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बच्चों और बनता है, क्या क्वेश्चन होगा, वो पूछता है आपसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉसेस आता है, कौन कौन सी हानियां होती है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की हानियां, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की हानि, हानि का मतलब लॉस। देखिए पहला जो लॉस होता है उसे कॉपर लॉस कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, कॉपर लॉस, जिसको बोलते हैं ताम्र हानि। अब यह है क्या, देखो इसमें जब धारा प्रवाहित होती है कुंडली में, इसमें या इसमें, दोनों की बात हम कर लेते हैं, यहां पे अगर करंट प्रवाहित होता है I, तो आप पढ़े थे कि किसी भी जब तार में धारा प्रवाहित होगा अगर I, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है, I² RT। अब देखो इस तार में भी धारा प्रवाहित हो रही है I, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, तो हम कह सकते हैं कि तांबे के अंदर उसके प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, और इसी हानि को हम क्या कहते हैं बच्चों, ताम्र हानि कहते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। ताम्र हानि इसलिए नाम रखा गया है कि जहां पर तार लगाते हैं ना बच्चों, वो तांबे का लगाते हैं, इसलिए इसको ताम्र हानि बोलते हैं या कॉपर लॉस कहते हैं। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करें, तो इसको उपचार बोल देते हैं, या इसको दूर कैसे करेंगे। ठीक है देखो, हालांकि इसको कंप्लीटली दूर करना असंभव है, ठीक है, हम इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसको हम कम से कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कम, तो यहाँ पे हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मोटे तार का उपयोग करते हैं। आपको मालूम है कि जब तार मोटा लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मतलब कि प्रतिरोध का मान घट जाता है बच्चों, R का मान क्या होता है, कम होने लगता है, क्योंकि R का फॉर्मूला क्या था बच्चों, यहां से R = यहाँ पे ρL/A, A का मान बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, और प्रतिरोध का मान घटेगा तो बच्चों ऊष्मा का मान भी क्या हो जाएगा, कम से कम होने लगेगा। इसलिए याद रखिएगा, ताम्र हानि को दूर करने के लिए हम तार को मोटा बनाते हैं, क्लियर है। चलिए दूसरा जो लॉस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग शैथिल्य हानि कहते हैं, इसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, HYSTERESIS, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। देखिए यह क्या होता है, यहां पर बच्चों ये जो हम लगाए हुए हैं यहां पे आयरन का कोर, समझ गए ना, यह आयरन का कोर, यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, जो आयरन होता है ना, याद रखिएगा आयरन क्या है बच्चों, एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबक चुंबकीय पदार्थ है। अब आपने पढ़ा था कि जब भी किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कहाँ बन रहा है बच्चों, तो यहाँ पे बनता होगा ना चुंबकीय क्षेत्र, देखो ऐसे, क्योंकि यह एक कुंडली है और कुंडली में धारा प्रवाहित होता है, तो उसके अक्ष पर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है यहाँ पे।
तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इसके अंदर में, यहां पे यहां भी बनता होगा, दोनों जगह बन रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण क्या होता है कि यह जो लोहा होता है वो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है। क्या होता है बच्चों? चुंबकित और विचुंबकित, मतलब इसमें एक बार चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और फिर क्या होगा? जीरो होगा, फिर बनेगा फिर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि धारा का मान बन क्या होता है? जीरो होता है, बढ़ता है घटता है, आप जानते हैं इसके बारे में। एसी करंट है या ऐसे है, ऐसे फिर न्यूनतम हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। उसके कारण क्या होता है कि इसके अंदर ऊर्जा का लॉस होता है, हानि होता है, ठीक है? तो उस हानि को क्या बोलते हैं हम लोग? शैथिल्य हानि कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसका जो उपचार है बच्चों, वह यहाँ पे सॉफ्ट आयरन इसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सॉफ्ट आयरन का, इस सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना? इसको बोलते हैं नरम लोहा, लोहा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? देखिए, तो अब दो लॉस हमें बता दिए, तीसरा लॉस क्या है बच्चों? देख लीजिए, इसको मिटा दे इधर। थर्ड लॉस को बोलते हैं बच्चों फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स क्षरण कहते हैं। क्षरण का मतलब हानि होता है बच्चों, क्षरण मतलब हानि, इसको बोलते हैं फ्लक्स लॉसेस, फ्लक्स लॉसेस। अब देखो फ्लक्स लॉस क्या है, यहां पे बच्चों करंट प्रवाहित हो रहा है तो इसमें क्या बनता होगा? चुंबकीय फ्लक्स बनता है, और यह चुंबकीय फ्लक्स यहां से यहां तक जाता है। होता क्या है कि जितना फ्लक्स यहाँ पे बनता है वह सभी फ्लक्स यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, समझ रहे हैं ना? मान लो कि यहाँ पे हमने कहा था कि फाइव T1 बनता, तो क्या सारा फ्लक्स यहाँ पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कुछ क्या होता है रास्ते में लॉस हो जाता है। ऐसे देखो फ्लक्स ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, तो कुछ क्या होता है इसके नरम लोहा का जो क्रूड है ना उसके बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग फ्लक्स लॉस कहते हैं या फ्लक्स क्षरण कहते हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, इसका उपचार कैसे किया जाता है? उपचार मतलब इसको कैसे हम कम कर सकते हैं या कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ये जो क्रूड बनाते हैं ना, ये क्रूड, ये ना आपका क्रूड है या कुर है, इसको क्या करते हैं? बंद बनाते हैं, बंद क्रूड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए हम बोलते हैं कि अधिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ का बंद, यहाँ पे यह जो वर्ड है बच्चों बंद, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंद क्रूड का प्रयोग करते हैं, क्रूड का प्रयोग करते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि जो अधिक चुंबकशीलता का पदार्थ लिखे ना, इसको बोलते हैं नरम लोहा, नरम लोहा, अर्थात हम नरम लोहे के बंद क्रूड का प्रयोग करते हैं, क्रूड मतलब कोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? फोर नंबर का जो लॉस है वह क्या है बच्चों? चार लॉसेस होता है, चारों को याद रखना है। चौथा लॉस को हम लोग कहते हैं ईडी लॉस, या उसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। क्या बोलते हैं बच्चों? भंवर धारा हानि, ईडी करेंट लॉस। देखो यह सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें आपसे अगर सिंगल क्वेश्चन पूछना होगा ना बोर्ड को, तो वह पूछेगा आपसे कि भंवर धारा हानि क्या होता है। अब होता क्या है बच्चों, यहां देखो इसको मिटाते हैं। ईडी करंट लॉस का मतलब है कि यह जो कोर बना हुआ है ए, अगर एक सिंगल लोहे के पीस का बना होता है ऐसा, जरा देखिए, ऐसे अगर बना होता यह, अगर ऐसा बना होता तो होगा क्या बच्चों कि इस पर हम ऐसे तार को लपेटेंगे, ऐसे इधर तार को लपेटेंगे, तो यह जो लोहा है ना, यह लोहा या लोहा समझो, आयरन समझो, जो भी समझो, तो यहाँ पे जो लोहा है बच्चों इसके अंदर भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके अंदर, क्योंकि बता चुके हैं कि इसके अक्ष पर क्या होता है? बी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? भंवर धारा उत्पन्न होता है, भंवर धारा, इसी को बोलते हैं ईडी करेंट। और इसके कारण क्या होता है बच्चों कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है,
क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। तो इसी लॉस को हम क्या कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए हमें जो एक सिंगल पीस दिख रहा है ना, इसको आयरन का जो कोर है, इसको सिंगल ना बना करके इसको पटलित बनाते हैं। जैसे यहां पर देखिए बनाया गया है, पतला पतला स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, और उसके बीच में क्या करते हैं, बैड कंडक्टर डाल देते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई वार्निश बोलते हैं उसको, या वार्निश का प्रयोग कर देते हैं इसमें बीच में, और वार्निश से उसको चिपका देते हैं, ठीक है, पतला पतला चिप्स लगा करके, और उसमें क्या करते हैं, इसमें कुंडली को लगाते हैं। तो इसका उपचार क्या हो जाएगा, उपचार मोस्ट वीवीआई है बच्चों, ठीक है। पूछता है कि भंवर धारा को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो हम इसके लिए पटलित क्रोड का प्रयोग करते हैं। कैसा, पटलित क्रोड का, इंग्लिश में कहते हैं लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ओके, तो यह रहा बच्चों कंप्लीट आपका ट्रांसफॉर्मर। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर आप वीडियो को सही से देखिएगा तो आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बन सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है बच्चों, हालांकि आपको हम बता चुके हैं, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि बिजली विभाग के पास में, ठीक है, या जहां से हम बिजली को सेंड करते हैं, बिजली मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, करंट को सेंड कर रहे हैं, वहां पे किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। और आपके घरों के पास में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो स्टेप डाउन लगा होता है। क्लियर है? ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि बच्चों यह वीडियो होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा हम अगले वीडियो में करेंगे।